अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा था, विच आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट बी अवेयर ऑफ. ये जो डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, देर आर सो मैनी थ्योरीज इन साइंस, राइट? देर आर सो मैनी थ्योरीज इन साइंस. ऐसा क्यों है, ये मेरा ख्याल है या मैं गलत सोच रहा हूँ या सही, इसके बारे में मुझे बताइएगा. डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को इतना पोलिटिसाइज क्यों किया गया है? वाई इज इट दैट दिस थ्योरी आउट ऑफ ऑल द अदर थ्योरीज, इसको एक पॉलिटिकल मुकाम भी दिया हुआ है, इसको एक आप कह लें कि लगता है कि मिलिटेंट तरीके से पढ़ाया जा रहा है, और इसके खिलाफ अगर कोई बंदा बात करता है तो वो एंटी साइंस हो जाता है. व्हाई व्हाई इज इट? क्या मैं गलत समझ रहा हूं इस बात को? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है. मैं एक्चुअली एक किताब अभी लाना चाहता हूँ व्यूअर्स के लिए. मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा ताकि आप लोगों को ये किताब सामने नजर आए. तो बेसिकली ये किताब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पब्लिश की थी थोड़े साल पहले, और ये बहुत इम्पोर्टेंट बुक है फॉर अंडरस्टैंडिंग जो करंट इश्यूज हैं. मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ. हाँ, थैंक यू. तो इस बुक का नाम है डार्विनिज्म एज रिलीजन, ठीक है? डार्विनिज्म एज रिलीजन. तो ये जो बुक है, ये इनका नाम है माइकल रूस, ठीक है? माइकल रूस. तो ये जो किताब है, मैं सारों को रेकमेंड करता हूँ कि आप इस किताब को परचेस करें. और एक्चुअली सॉरी, ये मैंने गलत स्क्रीन शेयर की हुई है. मैं समझा था कि वो ये वाली है. अब आनी चाहिए. अब आ गई है. आप क्लिक क्लिक करना. जी, मैंने कर तो दिया. नहीं, वेट अ मिनट, हाँ, ये आ गई. ठीक है, हियर वी गो. तो ये आपको, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की. एक्चुअली पाकिस्तान में भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रेस है. तो इस किताब का नाम है डार्विनिज्म एज रिलीजन. तो ये जो इस किताब के ऑथर हैं, इनका नाम है माइकल रूस. ये एक फिलोसोफर हैं, ये एक एथियस्ट हैं. ये बेसिकली नंबर वन डार्विनियन एकेडेमिक इन द वर्ल्ड, नंबर वन. इसके अच्छा, वाह, बारे में कोई शक नहीं कर सकता. सही. और ये जो हैं, ये दूसरे डार्विनिस्ट को बहुत अटैक भी करते हैं. खुद भी ये डार्विनिस्ट हैं. सही. इन्होंने रिचर्ड डॉकिंस की किताब जो गॉड डिल्यूजन है, उसके बारे में कहा कि दिस बुक मेक्स मी एम्बैरस्ड टू बी एन एथियस्ट. ठीक है, वाह, हाँ. तो ये बहुत फेमस फिलोसोफर हैं. तो इन्होंने कहा कि देखें, डार्विनियन इवोल्यूशन एक साइंस है, उसको डिनाई नहीं करते, मगर कहते हैं साइंस के अबव डार्विनियन इवोल्यूशन एक मजहब भी है, अच्छा, एक सिस्टम है जो राइवल है ट्रेडिशनल रिलीजन्स का, सच एज इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म. और उन्होंने कहा कि शुरू से और आज तक हम डार्विनिस्ट को इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा कि बेशक ये साइंस है, मगर इसका एक और भी एंगल है कि ये एक रिलीजियस मूवमेंट भी बन चुकी है. और इसकी वजह क्या है, ठीक है, इसकी वजह क्या है, उसके बारे में वो पूरी एक्सप्लेनेशन देते हैं. मगर इसके बारे में मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ. ब्लाइंड वॉचमेकर 1980s में किताब रिचर्ड डॉकिंस ने लिखी, उस किताब में उन्होंने कहा कि डार्विन अलाउड अस टू बी इंटेलेक्चुअली सेटिस्फाइड एथियस्ट. डार्विन अलाउड अस टू बी इंटेलेक्चुअली सेटिस्फाइड एथियस्ट. अच्छा, अगर ये क्वेश्चन है कि ये थ्योरी क्यों, ये क्यों इतनी डेंजरस बन गई है कि दूसरे साइंसदान, जो मैंने आपको जिया भाई अर्लियर थर्ड वेव रिवोल्यूशन दिखाया था, उस वेबसाइट पे आप जाएं, वहां पे जो साइंसदान है वो कंप्लेन करते हैं कि डार्विनिज्म इज अ रिलीजन एंड वी डोंट हैव इनफ एकेडमिक फ्रीडम टू चैलेंज इट. मासुताशी वाह, नाई जो जापानीज साइंसदान है जो वर्ल्ड फेमस है, हालांकि वो एथियस्ट है, वो ये कहता है कि डार्विन इज अ गॉड एंड वी कैन नॉट चैलेंज हिम, क्योंकि वो नहीं बिलीव करता डार्विनियन इवोल्यूशन में. अच्छा, इसकी वजह यह है क्योंकि डार्विनिज्म हेल्प्ड एथियज्म फ्लरिश, डार्विनिज्म हेल्प्ड लिबरलिज्म फ्लरिश, डार्विनिज्म हेल्प्ड वेस्टर्न इंपीरियलिज्म फ्लरिश, डार्विनिज्म लिंक्ड इटसेल्फ टू वाइट सुपीरियोरिटी. या डार्विन, यू हैव टू रिमेंबर द कॉकेशियन रेस वाज द बेस्ट, एवरीबॉडी एल्स वाज इंफीरियर. अच्छा,
जूलियन हक्सली ने भी एक किताब लिखी इसके बारे में, रिलीजन विदाउट रेवलेशन। ये बसालत कराची में एक मेरा दोस्त है, उसने थैंक यू ये बुक की। तो जिया भाई, इस किताब, इस बुक का नाम है, ये बुक है 1920 से जूलियन हक्सली की, इस बुक का नाम है रिलीजन विदाउट रेवलेशन, यानी मजहब वही के बगैर, और उस जी मजहब का नाम है डार्विनिज्म, सुभान इवोल्यूशनरी। अल्लाह, ठीक है, तो अगर आप ये पूछना चाहते हैं जिया भाई, ये क्या वजह है कि ये डार्विनिस्ट इतने हार्डकोर हैं, ये क्या वजह है कि ये लोग एकेडमिक फ्रीडम दूसरे साइंसदानों को नहीं देते, ये क्या वजह है कि ये एक साइंस से अबव एक अग्रेसिव मूवमेंट है, उसकी वजह ये है कि दिस इज अ रिलीजन, नॉट जस्ट ए साइंटिफिक थ्योरी। और इसके बारे में मैं एक बात पे खत्म करना चाहता हूँ, डार्विन वुड हैव कंप्लीटली डिसएग्रीड विद रिचर्ड डॉकिंस एंड द डार्विनिस्ट ऑफ टुडे, क्योंकि डार्विन बिलीव्ड फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ ही बिलीव्ड इन गॉड, ही बिलीव्ड गॉड एंड इवोल्यूशन एंड डार्विनियन इवोल्यूशन डिड नॉट कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर। उसने ये कहा, इट इज एब्सर्ड टू थिंक यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड इन योर इफ यू बिलीव इन माय थ्योरी। ठीक है, डार्विन लेटर ऑन लाइफ में आखिरी 10 साल में वो एग्नोस्टिक बना, एग्नोस्टिक एथियस्ट। उसने कहा, आई हैव नेवर बीन एन एथियस्ट, सही एग्नोस्टिक बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ ईविल एंड सफरिंग। उसकी बेटी फोर्थ हो गई एट द एज ऑफ 10, उसका बेटा फोर्थ हो गया एट द एज ऑफ 2, ही हैड हेल्थ प्रॉब्लम। वो सवाल ये पूछता था कि अगर खुदा इज लविंग, व्हाई डज सफरिंग हैपन। ठीक है, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इवोल्यूशन, डार्विनियन इवोल्यूशन, एनी टाइप ऑफ इवोल्यूशन डज नॉट अंडरमाइन गॉड एंड डज नॉट अंडरमाइन इस्लाम। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा आपने समझाया सबूर भाई, माशाल्लाह। आई थिंक के हमारी ऑडियंस को भी बहुत फायदा हुआ होगा। आई थिंक इसके कंक्लूजन में जो आपने बुक्स के रेफरेंसेस दे दिए, आई थिंक दैट्स आल्सो ग्रेट फूड फॉर थॉट फॉर ऑल ऑफ अस, इंशाल्लाह, जो भी इस टॉपिक के बारे में फर्दर रिसर्च करना चाहते हैं। तो आई थिंक इसकी समरी में एक बात जो अभी लास्ट पॉइंट्स में डिस्कस हुई है, वो ये कि डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है उसके अगेंस्ट भी बहुत सारी थ्योरीज इस वक्त हैं, और बहुत सारी साइंटिफिक कम्युनिटी में बड़े रिस्पेक्टेबल साइंटिस्ट हैं जो कि डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से अग्री नहीं करते। एंड इवन आपने जो बात की कि डार्विन हिमसेल्फ वाज नॉट एन इंटेलेक्चुअली सेटिस्फाइड और इंटेलेक्चुअली फुलफिल्ड एथियस्ट, वो खुद यानी कि ही यूज्ड टू बिलीव इन गॉड, या कम से कम एग्नोस्टिक हो गया था बिकॉज ऑफ द रीजंस दैट यू मेंशनड। तो आई थिंक कि अगर फॉर एग्जांपल एक थ्योरी पेश की जा रही है जहां पे एक वर्किंग मॉडल डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो मुसलमानों को ये नहीं चाहिए कि बेंड ओवर बैकवर्ड्स इन ऑर्डर टू टर्न द आयात ऑफ कुरान टू प्लीज समथिंग दैट इज हेवीली कंटेस्टेड एंड डिबेटेड, एंड इवन विद इन द इंटेलेक्चुअल मोलेक्युलर बायोलॉजी कम्युनिटी या जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कम्युनिटी, उसके बीच में भी जो कॉन्सेप्ट अभी हेवीली डिबेट हो रहा है उसके बारे में हम अपने आप को बेंड ओवर बैकवर्ड करें बिकॉज पॉपुलर नैरेटिव थ्रू दिस पुश, ये जो बता रहे हैं आपके डार्विन जो ना डार्विनियन एवोल्यूशन एज अ रिलीजन बताया जा रहा है, उसको प्लीज करने के लिए या उस नैरेटिव को सेटिस्फाई करने के लिए हमें कुरान की आयतों को मरोड़ने की जरूरत नहीं है। तो इतना बिल्कुल तकल्लुफ नहीं करना चाहिए हमें। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मगर एक और बात है जिया भाई, कि जी अगर इख्तलाफ ना होता इवोल्यूशन के लिहाज से, सिर्फ डार्विनियन इवोल्यूशन होती, डार्विनियन इवोल्यूशन एक मजहब भी नहीं होता, और सारे साइंसदान एग्री करते कि डार्विनियन इवोल्यूशन जो है वो एक्सेप्टेबल थ्योरी है, फिर भी हम इसको कुरान से रिलेट करके कुरान को ट्विस्ट नहीं करते, क्योंकि साइंस अपनी उसूलन सच की तरफ नहीं जा सकता, सर्टेनिटी की तरफ नहीं जा सकता। और जिस तरह अल्लाह ताला ने कहा, देखें कुरान में कोई भी चीज जिया भाई सुपरफ्लस नहीं है, सुपरफ्लस नहीं। अल्लाह ताला ने कहा कि उन्होंने ईसा अलैहि सलाम को क्रिएट किया कुन फयकून, ठीक है, और ईसा अलैहि सलाम के साथ एक नेचुरलिस्टिक क्रिएशन थी जरूर, मरियम अलैहि सलाम के लिहाज से जो वो प्रेग्नेंट हुई, मगर इंसेप्शन वॉज ए मिरेकल। अल्लाह ताला कहते हैं द सिमिलिट्यूड ऑफ आदम इज लाइक ईसा। ट्रू आदम अलैहि सलाम के साथ भी डेफिनेटली कोई नेचुरलिस्टिक प्रोसेस तो चलती रही है, मगर देयर वॉज समथिंग मिराक्युलस। अगर सारी दुनिया के साइंसदान कहें कि वी विल नॉट एक्सेप्ट इट बिकॉज साइंस इज बेस्ड ऑन मेथोलॉजिकल नेचुरलिज्म, ओनली नेचुरल कॉजेज एंड इफेक्ट्स, हम कहेंगे नो प्रॉब्लम, वी विल नेवर गिव अप बिलीफ इन वर्जिन मैरी और द बर्थ ऑफ जीसस, एंड विल नेवर गिव अप इन द बिलीफ इन आदम अलैहिस्सलाम, इवन इफ द होल वर्ल्ड लाफ्स एट अस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे
We go by what Allah has said, and what Allah has said is absolutely true, and science can change and is based on assumptions, presuppositions, limits, and all these types of things. And my last message to Muslims, don't be shy of Islam. Don't be shy. Log kya kehte hain? Oh no, what will the non-Muslims say? What will the kuffar say? It doesn't matter. Doesn't matter. You know, ye jo moron ne baat ki reconstruction ya duniya idhar aage pahunch gayi hai. Can you imagine Umar radhiyallahu anhu saying that? Yeah, Persians ki ye belief hain ya Romans ki ye belief hain, chalo hum bhi apni cheez change kar dete hain. No, Islam is not a religion of fashion, it's a religion of tradition, and the tradition is 1400 years old, and we will keep saying la ilaha illallah till the sun rises in the west, and nothing will dissuade us. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bro Sabur, I'd like to conclude with an ayah of the Quran where Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa ittaqu allaha allazi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. Allah subhanahu wa ta'ala says, Oh mankind, fear Allah because He created you from a single person, nafsin wahida, wa khalaqa minha zawjaha, and from Him He created His wife. And from them both, He created many men and women, and He spread them on the earth. So Allah subhanahu wa ta'ala, Quran Majeed mein, in ayat mein aur beshumar ayat mein, jo process hai, Allah subhanahu wa ta'ala mentions it as it is. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, yani Quran Majeed mein bohut sari aisi baatein hain, jo bade do tok alfaz mein kehte hain, and it's not an apologetic way of, you know, trying to please people or anything. Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah did not create the jinn or mankind for any reason except that they worship Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala says, خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارِ. So Allah subhanahu wa ta'ala very clearly mentions ki Allah ne insano ko paida kiya mitti se, Allah ne jinnat ko paida kiya. So the Quran Majeed jo hamare paas maujood hai, wo bade do tok alfaz mein bade clearly apna narrative set kar deti hai, unapologetically, very clear, in clear Arabic language, bade aaram se mention karti hai. Science apne aap ko discover karti rahe, nayi cheeze aati rahe, samne aati rahe. That's great, it's a great tool for us to use. But the Quran is the Quran, and alhamdulillah, we follow it because hum Allah ko maan chuke hain, to hum Allah Ta'ala ki baat bhi maante hain, jo kuch Allah Ta'ala kehta hai. Aur inshallah, hume jo qiyamat ka din hai, us din sare ye mamla jo hai, sara ka sara clear ho jayega, doodh ka doodh, pani ka pani ho jayega. Right now, what we have to do, as Brother Sabur said, is to not just believe in the Quran, but believe the Quran as well. So you believe in the Quran that it is a revelation from Allah, but then you believe also what is contained inside the Quran, or jo kuch bhi baat usme hogi wo hamare liye ultimate hai, usko yani kisi bhi popular fashion ko, jis tarah Brother Sabur ne rightly put kiya, kisi popular fashion ko ya jo na popular narrative ko yani satisfy karne ke liye ya unko appease karne ke liye, hum apni kitab ko, apne deen ko nahi badlenge, hum apni apne hisab se chalenge. Science jab bhi hamare sath catch up kar le, nahi kar sakti, no problem, life goes on for us inshallah taala as Muslims.